नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। खबर अमेठी से आ रही है। अधगिरे कच्चे घर में रहने को मजबूर गरीब परिवार, कभी भी हो सकती है दुर्घटना। अमेठी के जगदीशपुर गांव, जहां एक और अमेठी सांसद स्मृति रानी के द्वारा ई चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जगदीशपुर ब्लॉक के ग्राम सभा नौडाड में राधेश्याम यादव का कच्चा मकान है, जो कि आधा गिर चुका है और आधा किसी भी समय गिर सकता है। कई बार राधेश्याम द्वारा ग्राम प्रधान से आवास के लिए विनती की जा चुकी है। इस बात की जानकारी बीडीओ जगदीशपुर को प्रार्थना पत्र देकर दी गई है। देखना यह है कि अमेठी सांसद के ई चौपाल का असर कागजों पर ही सीमित रहेगा या कोई जमीनी कार्यवाही भी होगी। गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता भी है या नहीं। प्राइम न्यूज 24 के लिए मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला के साथ अमेठी से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। दादा, क्या मामला है आपका? मेरा घर तो गिर हुआ है भैया, सब गिर गया, एक दरवाजा बचा वो मड्डल लगता है। अच्छा, हाँ। तो क्या चाहते हो आप? अरे घर चाहिए थे और क्या चाहिए। अच्छा, इसकी शिकायत आप कहाँ किए हो? उस प्रधान से किए हैं, सब दिए हैं जी। अच्छा, और कहाँ कहाँ किए हो? बीडीओ साहब का भी शिकायत किए थे। अच्छा, हाँ, तो कब किए हो? कल किए थे। अच्छा, तो क्या बताए वो? वो तो कहेगा कि काम करेंगे। अच्छा, काम आपका होगा? हाँ, यही तरह कहे थे बस। अच्छा, आपको कॉलोनी वो प्राप्त करवाएंगे? हाँ। अच्छा, ये कब से गिरा हुआ पीछे का घर? ये तो पीछे का हो गया, ये 5 साल तक, 5 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, हाँ। और ये भी गिरने वाला है? ये भी गिरने वाला है। अच्छा, कितने लगता है जो बरसात होती तो डर लगता है, सारा चूता है ये। अच्छा, कितने लोग हैं आपके घर में, कितने सदस्य? हमारे घर में है 7 जने। अच्छा, चलिए ठीक।